फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। वर्धमान विस्फोट मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल वर्धमान अभी पहुंचे हैं। एनएसए अजीत डोभाल वर्धमान ब्लास्ट साइट पर जांच में प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। वो अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले की जानकारी लेंगे। एनएसए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। आपको याद होगा 2 अक्टूबर को वर्धमान के खागरागढ़ में धमाका हुआ जिसमें 2 संदिग्ध लोगों की मौत हो गई थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वर्धमान के खागरागढ़ में उस जगह पर मौजूद जहां पर धमाका हुआ और धमाके में 2 संदिग्ध आतंकियों की मौत हो गई थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ब्लास्ट की उस साइट पर पहुंचे हैं जहां यह धमाका हुआ और खबरों की माने तो बांग्लादेशी आतंकी संगठन का इसमें हाथ हो सकता है। और बड़ी बात यह और मामले की संजीदगी को दर्शाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद उस ब्लास्ट साइट पर जांच और जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि एनएसए कह चुके हैं कि इस धमाके के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि 200 जिंदा बम बरामद हुए थे धमाके के बाद। जब जांच आगे बढ़ी यह बताता है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का मानना है कि इसका नेटवर्क काफी बड़ा है। 2 दिन पहले एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख शरद कुमार भी जांच के लिए पहुंचे थे। अजीत डोभाल इस साइट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करने वाले हैं।